नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार सरकार के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नई वैकेंसी जारी की गई है। दो दो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, दो कॉलेज का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो दोनों हम लोग देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं। तो पहला आप देखेंगे तो अतिथि व्याख्याता का है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का। और देखिए अतिथि अनुदेशक का पोस्ट है, अतिथि प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट का। और ये जो आपका विभाग होगा वो होगा यांत्रिकी अभियंत्रण, असैनिक अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक अभियंत्रण, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, भौतिकी और रसायन। और दूसरे में देखें तो दूसरे में आप देखेंगे अनुदेशक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स अतिथि अनुदेशक, इलेक्ट्रिकल अतिथि अनुदेशक, ऑटोमोबाइल अतिथि अनुदेशक और भौतिकी अतिथि प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक। अब इसमें ये जो वैकेंसी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से कॉलेज की तरफ से जारी की गई है। तो पहला तो है आपका राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक अस्थावा नालंदा की ओर से जारी की गई है। और दूसरा जो है आपका नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना की ओर से जारी की गई है। तो अब देखिए पटना की बात करें तो पटना वाला फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नालंदा वाला जो फॉर्म है वो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए 20/7/2024 की ये नोटिफिकेशन है जिसमें जारी की गई है। इंटरव्यू के माध्यम से जो है इसमें चयन होना है, परीक्षा वगैरह नहीं होगी। तो आप देखिए इसमें आवेदन करने के लिए जो बताया गया नियम वो आप पहले इसमें देख लीजिए कि इच्छुक उम्मीदवार को अपने फोटो युक्त आवेदन पत्र में बायोडाटा के साथ, ठीक है, जो भी आपका बायोडाटा है बायोडाटा बना लीजिएगा, बायोडाटा फॉर्म के साथ आपको जो डेट बताया गया देख सकते हैं 30/7/2024 और 31/7/2024, इस डेट में जाके 11 बजे आपको इंटरव्यू देना है। तो ये अस्थावा का मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नालंदा वाला बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे डेट बताया गया है, अतिथि व्याख्याता के लिए अगर आप आवेदन करते हैं या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और गणित के लिए, तो आपका 30/7/2024 को इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं आपका अनुदेशक के लिए देखें तो 31/7/2024 के लिए 24 को जो है इंटरव्यू आयोजित की जाएगी। योग्यता आपका जो है ऑल इंडिया टेक्निकल सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है AICTE, इसके अनुसार जो है आपका योग्यता निर्धारित की गई है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नियम के अनुसार जो है सैलरी भी आपको दी जाएगी। तो ये तो हो गया नालंदा का। और नालंदा का अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस वेबसाइट को खोल के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। देखिए फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, तो देखिए फॉर्म में क्या क्या भरना है पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे एक फोटोग्राफ चिपकानी है, कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे सबसे पहले डिपार्टमेंट लिखनी है, और यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखना है किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी हो गई, जेंडर हो गया, शादीशुदा, मैरिटल स्टेटस हो गया, पूरा एड्रेस हो जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, और उसके बाद क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पे भर देना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन का डिटेल भरने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डिटेल फिल कर देंगे पूरा, और कहाँ आपने ये एक्सपीरियंस लिया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे भर देना है। फिर यहाँ पे आ जाता है पार्टिकुलर में, अगर आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। आगे बढ़े तो नीचे आता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, रेफरेंस है अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे गिव पार्टिकुलर ऑफ टू रेफरेंस नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द कैंडिडेट, यानी दो व्यक्तियों का आपको रेफरेंस देना होगा, दो व्यक्ति जो आपको जानते पहचानते हो उसका पूरा डिटेल आपको भरना है, जैसे कि नाम, डिजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, आपको जानते हो लेकिन आपके परिवार के ना हो वैसे व्यक्तियों का डिटेल यहाँ पे भरना है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा में कुछ और भरना चाहते हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ेंगे। और सिग्नेचर करके इस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देख सकते हैं, 10th 12th UG PG PhD अदर इफ एनी जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें 10वीं 12वीं UG PG PhD सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भर के इसको लेके जाना है। तो ये हो गया आपका योग्यता, आपको समझ में आ गई होगी कि योग्यता क्या है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखिए फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ चिपका के इसको इसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा के
जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी लगा के आपको दो कॉपी में ले जाना है, दो दो कॉपी करके फोटो कॉपी ले जाना है, और प्लस ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी इंटरव्यू के दिन लेके जाना है। तो ये हो गया, नालंदा का क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना का। तो इसमें जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए लिंक दिया हुआ है, लिंक मैंने यहाँ पे देख सकते हैं ओपन भी कर चुका हूँ। ये देखिए लिंक ओपन हो चुकी है, न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये आपका गूगल फॉर्म है, इसी को भरना है, जिसमें आपका नाम हो जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, परमानेंट एड्रेस हो जाएगा, मोबाइल नंबर आपका जो है वो भरेंगे, फिर आपका अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर है तो वो भरेंगे, ईमेल आईडी आपका जो है वो भरेंगे, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके डाल देंगे जो भी आपका है, और उसके बाद मेल फीमेल जो भी है उसे सेलेक्ट करके डाल देंगे, और यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेपेड है तो यस नो कर सकते हैं, और कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जनरल ईबीसी बीसी ईबीसी जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए या फिर गेस्ट लैब असिस्टेंट के लिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे जो है आपका एजुकेशनल डिटेल पूछेगा वो भरेंगे, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपके हैं उसको आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है, तो ये फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भरना है। तो दोनों का लगभग मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है, अगर कुछ छूटा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल डेट देख लीजिए पटना वाला क्या है, तो अगर आप अनुदेशक और अतिथि प्रयोगशाला सहायक हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो 27/7/2024 को इसका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है टोटल संविदा पे है, तो ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपका संविदा आधारित वैकेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।